यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। तुम्हारी माता का त्यागपत्र जिसे मैंने उसको छोड़ देने के समय दिया वह कहाँ है, और व्यापारियों में से मैंने किसके हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है कि सुनो, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता, और क्या मुझमें उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं तो समुद्र को धमकी से सुखा देता हूँ और महानदों को जंगल बना देता हूँ। उनकी मछलियां जल बिना मर जाती हैं और बसाती हैं। मैं तो आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट उड़वा देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझसे शिष्यों की सी जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। वह भोर को मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है ताकि मैं शिष्य की रीति सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने हट न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों की ओर अपनी पीठ और गलमूछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए हैं। मैंने अपमानित होने और उसके थूकने से मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक की नाई कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, कौन मेरे साथ मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है और वह मेरे निकट आए? सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसे कुछ उजियाला न दिखाई देता हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी कि तुम संताप में पड़े रहोगे।